नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। नरेंद्र मोदी की तुलना अंग्रेजों से। गांधीवादी समाज से भी अन्ना हजारे ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की तुलना अंग्रेजों से की है। आंदोलन के लिए एक बार फिर जंतर मंतर पहुंचे अन्ना ने कहा कि यह सरकार किसानों पर अत्याचार कर रही है। इतने अत्याचार तो अंग्रेजों ने भी नहीं किए थे। भूमि अधिग्रहण अध्यादेश को किसान विरोधी बताते हुए उन्होंने कहा कि अच्छे दिन तो उद्योगपतियों के आए हैं। हजारे ने कहा कि किसान विरोधी अध्यादेश को तत्काल वापस लेना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष से सहयोग मांगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के बजट सत्र के बारे में उम्मीद जताई कि इसमें कुछ अच्छा करने की दिशा में मिलकर प्रयास करने का एक ऐसा अवसर बनेगा जो देश के गरीबों के काम आए। सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि संसद का बजट सत्र आरंभ हो रहा है, हमारी सरकार के लिए यह पूर्ण समय का अवसर पहली बार आया है। उन्होंने सभी दलों के बीच सहयोग का माहौल बनने की उम्मीद जताते हुए कहा कि रविवार को भी मैं बहुत लंबे समय तक सभी साथी दलों के नेताओं से मिला था, उनके विचार भी सुने हैं और हमारा प्रयास रहेगा कि देश हित के हर महत्वपूर्ण विषय पर गहरी चर्चा हो। मुद्रा स्फीति रिकॉर्ड न्यूनतम स्तर पर, राष्ट्रपति ने संसद में कहा। संसद का बजट सत्र शुरू हो गया है। संसद के संयुक्त अधिवेशन में अपने अभिभाषण में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने सोमवार को कहा कि सरकार के कई निर्णायक कदमों के कारण मुद्रा स्फीति न्यूनतम स्तर पर पहुंच गई है। अर्थव्यवस्था फिर से उच्च वृद्धि के मार्ग पर है। थोक मुद्रा स्फीति पिछले 3 महीने में दूसरी बार शून्य से नीचे चली गई। कुल मिलाकर खाद्य मुद्रा स्फीति 8% रही। अपनी पत्नी को अलमारी में छिपा देते थे शकलेन। खिलाड़ियों के साथ पत्नियों और प्रेमिका को यात्रा करने की अनुमति पर चल रही बहस के बीच पाकिस्तान के पूर्व स्पिनर शकलेन मुश्ताक ने खुलासा किया है कि 1999 में विश्व कप के दौरान उन्होंने अपनी पत्नी सना को होटल के कमरे की अलमारी में छिपा दिया था। शकलेन ने कहा कि इस दौरान हम अपनी पत्नियों और परिवार के साथ सफर कर रहे थे और टूर्नामेंट का पूरा मजा आ रहा था। सेमीफाइनल से पहले हमारे प्रबंधन ने कहा कि अब पत्नियों को साथ रहने की इजाजत नहीं है। उन्होंने ESPN क्रिक इन्फो से कहा कि इसके बावजूद पत्नी मेरे साथ होटल के कमरे में रहती थी। मैनेजर या कोच के आने पर मैं उसे अलमारी में छिपने के लिए कह देता था। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।